स्कॉलर्स ऑफ स्कूल सिस्टम व गर्ल्स कॉलेज बेदिया रोड पर होने वाले स्पोर्ट्स व कल्चरल डे की तकरीब की सदारत MD मोहम्मद अतहर ने की, जबकि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उनैजा एहसान मेहमान खुसूसी थी। तकरीब का बाकायदा आगाज तालिबात के दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को दी जाने वाली सलामी से हुआ। तालिबात ने स्टिक रेस, थ्री लेग रेस, चाटी रेस, रस्साकशी और सेब खाने के मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली तालिबात की हाजरीन भी भरपूर हौसला अफजाई करती रही। स्पोर्ट्स डे में शिरकत करने वाली तालिबात का कहना है कि खेल नशोनुमा के लिए जरूरी हैं और किताबों से दूर साथी तालिबात के साथ बगैर किसी पाबंदी के दिन गुजारना इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, उनको फुर्सत मिली कि वो अपनी किताबें छोड़ के जो है वो एक एक्स्ट्रा सेक्टर एक्टिविटीज की तरफ आए हैं और वो थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई है जिससे उनसे काफी इंजॉयमेंट हो रही है और बच्चे तमाम वो अपनी टेंशन भूल के हैं, वो बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। बहुत मौका मिलता है, जैसा कि वो इंसान दुनिया में कामयाब होता है जो जहनी तौर पर नशोनुमा के अलावा जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त हो। तकरीब की मेहमान खुसूसी उनैजा एहसान ने कहा कि बच्चों की नशोनुमा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां बहुत जरूरी हैं। सदर तकरीब मोहम्मद अतहर ने कहा कि उनका स्कूल बच्चों को मयारी तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स के भी भरपूर मौके फराहम कर रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स जो है बच्चों की पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, दूसरा उसके साथ साथ ये डिसिप्लिन सीखते हैं। गैर निसाबी सरगर्मियाँ ना सर, इससे बच्चों की एक तालीमी जो काबिश है वो जरा बेहतर होती है। जिस तरह एक सेहतमंद दिमाग जो होता है ना, उसमें एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, इसी तरह ये चीज़ें सर बहुत जरूरी हैं। कल्चरल डे के हवाले से तालिबात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। तकरीब के आखिर में जीतने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट से यहाँ पर तालिबात के ज़हनी साहितों को जला मिलती है, वहीं उन्हें टीम वर्क में काम करने का मौका भी मिलता है। कैमरामैन कामरान खान के साथ अजहर हुसैन, सिटी 42।